हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर 2 है उसको करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में टॉपिक्स को कवर किया था, आज लेक्चर 2 को हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा नेशनल इनकम। आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ा थोड़े सबके बारे में, उसके बाद धीरे धीरे हम चीज़ों को हायर लेवल तक ले जाएंगे। जैसे आज का जो हमारा पहला टॉपिक है ना, वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अगर सबसे पहला बात देखा जाए ना कि नेशनल इनकम होता क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो होता क्या है, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है ना कि मान लीजिए कोई किसी एक कंट्री की अगर बात करें तो किसी एक देश के अंदर जो भी हमारा मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का को हम लोग प्रोड्यूस किए, प्रोडक्शन हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड किए एक कंट्री के अंदर, उससे जो इनकम निकलता है ना, उससे जो इनकम आता है ना, उस इनकम को हम लोग बोलते हैं क्या, नेशनल इनकम। ये एक कंट्री में ऐसा एक ही कंट्री के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि जो भी उस कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है उससे जो हमें इनकम मिलता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, नेशनल इनकम, ठीक है। उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। जैसे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट, मतलब निजी और सरकारी दोनों का मिलाकर जो इनकम होता है ना, उसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। अगर नेशनल इनकम के फॉर्मूले को देते तो नेशनल इनकम जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, NNP, मैं आगे बताऊंगा कि NNP क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए समझ ले कि नेशनल इनकम निकलता है जब नेट नेशनल प्रोडक्ट में से हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर मतलब ऐसा, जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपये का एक बिस्किट खरीदा, ठीक है, तो बिस्किट पे टैक्स लगा हुआ है, हम जानते नहीं हैं, लेकिन उस टैक्स को हम पे कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है, दैट उस तरह का टैक्स को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे मान लीजिए बिस्किट है 8 रुपये का, उस पर टैक्स लगा हुआ है, शेष अलग अलग चीज़ें लगे तो उसका मिला के 10 रुपया हुआ, तो उस चीज़ में आपको टैक्स आप दे रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्स। उसको इनडायरेक्ट टैक्स हिंदी में अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करता है, ठीक है, अगर इसकी हम बात करें कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करता है, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत में जो है ना वो क्या करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है, मतलब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है कौन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिक संगठन। इसकी स्थापना अगर CSO, अगर इसको शॉर्ट में बोले तो हम लोग CSO कहते हैं। CSO की स्थापना हुई थी 1951 में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, मतलब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 29 जून 1951 को, ठीक है, और 29 जून को सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स दिवस मनाया जाता है, यानी सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो ये जो है ना 29 जून जो है, जिस दिन CSO की स्थापना हुई थी, इसी दिन पीसी महालोनोविनिस का जन्म हुआ था, ठीक है। पीसी महालोनोविनिस मॉडल कौन सा, तो जो दूसरा हमारा 5-ईयर प्लान आया था ना, 2nd 5-ईयर प्लान जो आया था वो पीसी महालोनोविनिस के मॉडल पे ही बेस्ड था, और पहला 5-ईयर प्लान जो बेस्ड था हेराल्ड डोवर मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एस्टिमेट इनकम क्या होता है। तो एस्टिमेट इनकम की गणना जो है ना, एस्टिमेट इनकम की गणना 1968 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने एस्टिमेट इनकम की गणना की थी, मतलब कैलकुलेशन किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1968 में एस्टिमेट इनकम को कैलकुलेट किया था, और उन्होंने
भारत में, उस समय भारत में उन्होंने प्रतिलिखित आय यानी कि प्रति एस्टिमेट इनकम जो निकाला था ना, 20 रुपये एस्टिमेट इनकम निकाला था 1968 में। किसने? तो दादाभाई नौरोजी ने निकाला था। कितना एस्टिमेट इनकम? तो 20 रुपये, जो कि सालाना था, सालाना जो कि एक सालाना इनकम था, ठीक है। और इन्होंने एक इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था, इम्पोर्टेंट ये पुस्तक के बारे में पूछता अलग अलग एग्जाम में, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको किसने लिखा था? इसको दादाभाई नौरोजी ने लिखा था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया को। और इन्होंने 20 रुपये सालाना आय निकाला था दादाभाई नौरोजी ने 1968 में। जो एस्टिमेट इनकम इन्होंने निकाला था वो 20 रुपये निकाला था सालाना, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो वर्तमान में करेंटली जो है ना, अभी करेंट में जो भारत का पर कैपिटा किसी देश के को, मतलब क्या बोलते हैं, किसी देश की प्रगति यानी प्रोग्रेस को दर्शाने का सबसे अच्छा मार्ग कौन सा होता है, अच्छा मीडियम कौन सा होता है, तो वो था पर कैपिटा इनकम। और भारत का जो पर कैपिटा इनकम करेंटली जो है ना, वो 1,12,000, 1,12,000 जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वो भारत का है। और पर कैपिटा इनकम से ही किसी देश की प्रगति को दिखाया जाता है, ठीक है। सबसे अच्छा मार्ग होता है पर कैपिटा इनकम, ओके। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम हम लोग निकालते कैसे हैं? पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम बाय पर कैपिटा इनकम, सॉरी पॉपुलेशन। इससे हम लोग पर कैपिटा इनकम को निकालते हैं, ठीक है। अगर आगे बात करें तो जैसे अलग अलग मेथड होता है जिसके तहत हम लोग रेट को निकालते हैं, जैसे हिंदू विकास दर, जिसको हिंदू ग्रोथ रेट, रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। सो हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट है ना, इसका रिलेशन जो होता है ना, वो नेशनल इनकम के साथ होता है। और ये जो है, ये इसकी मतलब जो नेशनल इनकम है ना, पहली बात तो हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट का रिलेशन किसके साथ है, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का जो रिलेशन है वो नेशनल इनकम के साथ है, ठीक है। इसका रिलेशन किसके साथ है? नेशनल इनकम के साथ, ठीक है। और जो नेशनल इनकम निकाला जाता है ना, नेशनल इनकम जो निकाला जाता है ना, एक स्थिर कीमत पे निकाला जाता है, मीन्स एक कांस्टेंट वैल्यू पे निकाला जाता है, एक कांस्टेंट वैल्यू पे निकाला जाता है नेशनल इनकम को, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट जो है हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है, तो मतलब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ होता है कि ये रिलेट करता है, इसका जो रिलेशन है वो नेशनल इनकम के साथ है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो टर्न था, इसको यूज़ किया था जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे राजकृष्णन ने, इसको यूज़ किया था, ओके। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रीवेलिंग रेट। और मैं एक चीज़ कंफर्म करना, जो तो पर कैपिटा है ना, जो 1.12 LPM मैंने बताया, ये एक्चुअली में चेंज होते रहता था। आप इसको एकदम इसी पे नहीं हो जाएगा, मतलब जिद नहीं पकड़ लीजिएगा कि यही होगा, इसमें चेंजेस आते रहता है। मोस्ट लाइकली मुझे जहाँ तक पता, अभी जो पर कैपिटा इनकम है वो 150,000 जो है अभी करेंटली जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम है वो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है वो है प्रीवेलिंग रेट। प्रीवेलिंग रेट होता है ना, जो चालू कीमत जिसको हम लोग बोलते हैं, चालू कीमत पे जब हम लोग निकालते हैं ना नेशनल इनकम को, तो उसको प्रीवेलिंग रेट कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रीवेलिंग रेट पे हमारा एक्चुअल जो इनकम होता है ना, वो कैलकुलेट नहीं किया जाता है। जो एक्चुअल रेट होता है हमारा, वो कैलकुलेट किया जाता है फिक्स रेट पे, ठीक है। सो प्रीवेलिंग रेट इज़ नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट अ नेट एक्चुअल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है।
सो इसको आप यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक्चुअल नेशनल इनकम कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड नहीं, एक्चुअल मेथड नेशनल इनकम इज़ नॉट कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड, इस मेथड से नो से मतलब कि एक्चुअल नेशनल इनकम नहीं निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिक्स रेट। फिक्स रेट पे जो है ना हम लोग राष्ट्रीय आय को निकाले। फिक्स रेट होता है जैसे किसी साल को बेस मानकर, किसी साल को आधार मानकर जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं ना तो उसको फिक्स रेट कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 2015-16 को हम लोग 2015-16 को बेस ईयर मानकर जब हम अपने नेशनल इनकम को निकालते हैं तो उसको बोला जाता है फिक्स रेट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, ठीक है। तो नेशनल इनकम को चार मेथड से हम लोग तीन मेथड होता है। एक होता है प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि, आय विधि और कंजप्शन उपभोग विधि। तीन विधि से हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम आगे बात करें जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है ना कि जैसे एक वर्ष में, वन ईयर में अगर हम जीडीपी की बात करें, अगर हम जीडीपी की बात करें ना तो वन ईयर में एक निश्चित सीमा के अंदर, मतलब एक निश्चित बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है ना उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है ना विद इन वन ईयर उसको हम लोग जीडीपी के अंदर रखेंगे। लेकिन जो बाहर, जैसे मान लीजिए राम है, ठीक है, राम जो है वो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ठीक है, तो उसका जो इनकम होगा ना वो जीडीपी के अंदर नहीं आएगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, जैसे मान लीजिए एलजी है, ठीक है, एलजी जो है इसका जो प्रोडक्शन जो इनकम होगा ना उसको हम लोग जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। तो जो जीडीपी होता है ना किसी देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा का मूल्य को कहते हैं हम लोग जीडीपी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडिया की कंपनी है, ठीक है। मान लीजिए रिलायंस ने 800 रुपये का प्रोडक्शन किया, एलजी ने मान लीजिए 700 रुपये का प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो जो भारत का जीडीपी होगा ना, और एक राम है, राम ने विदेश में 1500 रुपये कमाए, ठीक है। तो राम का इनकम जो होगा ना वो जीडीपी में नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी में हम इनकम वही उसी चीज़ को हम लोग रखते हैं जो किसी देश के एक सीमा के अंदर एक वर्ष में जो भी प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ ना उस चीज़ को रखते हैं। तो जो हमारा जीडीपी होगा ना ये दोनों होगा, यानी 800-700 यानी 1500 जो हो जाएगा वो हमारा जीडीपी कहलाएगा। लेकिन जो राम का इनकम होगा ना वो जीडीपी के अंदर नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने उस अपने इनकम को कहाँ अर्न किया, तो ऑस्ट्रेलिया में अर्न किया था उसने, ठीक है। उसके भी इनकम को देखेंगे कि कहाँ हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में जो एक देश के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन में जो हम लोग इनकम करते हैं ना उस चीज़ को हम लोग जीडीपी के अंदर रखते हैं, बाहर के नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने अगर ये हो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे देखें, द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एक साल के स्पेसिफाइड पीरियड मतलब एक निश्चित टाइम, जैसे एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उसके इनकम को हम लोग जोड़ते हैं जीडीपी के अंदर, ठीक है। जीडीपी के बाद जो हम लोग दूसरा चीज़ पढ़ते हैं ना वो हमारा होता है जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, ठीक है। अब जीएनपी क्या होता है, जीएनपी एक ऐसा ये है ना जो केवल इसमें जीएनपी में केवल इंडियंस के पैसे को जोड़ा जाता है, सिर्फ इंडियन रेवेन्यू जो होता है ना उसी को जोड़ा जाता है, भारतीयों के पैसे को जोड़ा जाता है। सपोज अगर एग्जाम्पल से हम लोग देखें, अगर हम एग्जांपल देते हैं, लेटेस्ट सेम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए रिलायंस जो है, रिलायंस ने 800 रुपये का प्रोडक्शन किया, ठीक है, एलजी ने 500 रुपये का किया,
ठीक है, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये जीडीपी कहलाएगा। लेकिन जब अगर हम राम का इनकम को जोड़ते हैं, अगर और राम ने 1500 रुपये का अर्निंग किया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, रिलायंस का 800 का, एलजी का 500 का और राम का 1500 का अर्निंग हुआ जो कि ऑस्ट्रेलिया में उसने कमाई। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग कैसे करते हैं, जब जीएनपी निकालने के लिए ना जीएनपी का एक फॉर्मूला होता है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। कैसे? तो जो एक्स होता है ना ये राम का इनकम हो गया और वाई जो हुआ ना वो फॉरेन कंपनी जो जैसे एलजी थी ना उसका इनकम हो गया। तो राम के इनकम को हम लोग जीडीपी में ऐड कर देंगे और जो फॉरेन कंपनी एलजी थी ना उसके इनकम को जब हम लोग माइनस कर देंगे ना तो जो वैल्यू आएगी वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगी, वो भारतीयों का पैसा कहलाएगा। ठीक है, वो कंप्लीट इंडियंस का पैसा कहलाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं जीएनपी। जैसे अगर जीएनपी का फॉर्मूला सिंपल देंगे तो जीएनपी होता है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस वाई। अब एक्स जो होता है ये भारतीयों के द्वारा कमाया गया पैसा होता है और वाई जो रहता है ना ये विदेशी कंपनी जो भारत में पैसा अर्जित करती है ना, इनकम अर्जित करती है, यानी इनकम जो करती है उसको हम लोग वाई कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग जीडीपी में भारतीयों को पैसा का जोड़कर और विदेशी मूल विदेशी पैसे को घटा देते हैं ना तो वो जो वैल्यू निकलता है ना वो जीएनपी कहलाता है। ठीक है, इसमें भी है कुछ केसेस हैं, जैसे मान लीजिए एक्स माइनस वाई ये जो है, अगर ये जो है ना इसको हम लोग हिंदी में शुद्ध साधन आय कहते हैं। ठीक है, अगर एक्स बराबर वाई हो गया, अगर दोनों एक्स और वाई जैसे इंडियंस का इनकम और फॉरेन इनकम दोनों बराबर हो गया तो इसको बोलते हैं संतुलित अर्थव्यवस्था। इट मींस दैट क्या कि बैलेंस्ड इकोनॉमी, इसको हम लोग बैलेंस्ड इकोनॉमी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो जाता है, किस में? बैलेंस इकोनॉमी में। बैलेंस इकोनॉमी में जीडीपी और जीएनपी जो होता है दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सेकेंड हम इसका केस देखें, अगर सेकेंड केस देखें कि अगर मान लीजिए केस टू देखें कि एक्स अगर ज़्यादा हो गया वाई से, अगर जो इंडियन का इनकम हो गया वो ज़्यादा हो गया फॉरेन इनकम से, जैसे विदेशी कंपनी का मूल्य से ज़्यादा इंडियन मतलब भारतीय का इनकम हो गया तो इसमें क्या होगा? तो इसको बोलते हम लोग प्रॉफिट, इसमें हम लोग को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है किसी देश में इंडियंस जो है वो ज़्यादा कमा ले रहा इन कंपैरिजन टू वो विदेशी कंपनी जो भारत में कमा रही है तो उस समय प्रॉफिट ही होगा, तो इसको प्रॉफिट का कंडीशन कहेंगे। इसमें क्या होगा, जो जीएनपी होगा ग्रॉस नेशनल, जो जीएनपी होगा जिसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं वो ग्रेटर हो जाएगा किस से? जीडीपी से। वो जीडीपी से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा कि जीडीपी में हम किसको रखते हैं, एक सीमा के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हुआ उसको हम लोग जीडीपी में रखते हैं। तो यहाँ पे ये केस आएगा। वही अगर तीसरा केस की बात करें ना तो एक्स अगर लेस हो गया वाई से तो ये हानि का केस है। क्यों? ये तो इंडियन जो अर्न किया और ये जो विदेशी कंपनी अर्न किया, अगर विदेशी कंपनी ज़्यादा कमा लेती है इन कंपेरिजन टू इंडियन पीपल तो ये हमारे लिए क्या होगा, लाभ नहीं होगा, ये घाटा होगा, मतलब लॉस का सौदा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जीएनपी जो होता है लेस हो जाता है जीडीपी से। ठीक है, जीएनपी लेस हो जाता है जीडीपी से। अगर नेक्स्ट आए, अगर एक्स बराबर वाई इज इक्वल टू जीरो, अगर दोनों जीरो पे आ गए तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी। और इसमें भी क्या होगा, जीएनपी और जीडीपी दोनों बराबर हो जाएंगे, जीएनपी और जीडीपी क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि जीडीपी और जीएनपी का अंतर क्या कहलाता है। तो हमने पढ़ा था कि जीडीपी जो होता है, जीएनपी जो होता है क्या होता है, जीडीपी में जब इंडियन का इनकम को प्लस करते हैं फॉरेन इनकम को माइनस करते हैं ना तो इसको जीडीपी कह ले, जब ये दोनों का डिफरेंस ना ये कहलाता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जीएनपी और जीडीपी दोनों का अंतर जो होता है एक्स माइनस वाई होता है। ठीक है,
अब आते हैं NNP। जैसे मैंने बोला था कि NNP मैं बताऊंगा कि क्या होता है, तो NNP एकदम वाइट मनी होता है, शुद्ध पैसा होता है, मतलब प्योर मनी होता है। इसमें से NNP कैसे निकालते हैं हम? NNP निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, कुछ ऐसा होता है कि जब हम NNP का होता है कि जब GNP में से हम डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, यानी डिप्रिसिएशन मतलब होता है जो टूट फूट होता है ना किसी भी प्रोडक्ट बनाने में, जो टूट फूट होता है उसको हम जब हम घटा देते हैं ना, तो NNP निकलता है। NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। NNP मतलब इसको हिंदी में हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं। सपोज दैट एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मान लीजिए रिलायंस एक कंपनी थी, उसने 800 रुपये का प्रोडक्शन किया, LG ने 700 रुपये का प्रोडक्शन किया, राम जो था, राम का इनकम जो था 150 रुपये राम ने इनकम अर्न किया, और 50 रुपये टूट फूट में चला गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग इसमें पहले NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हम लोग ऐड करेंगे। ग्रॉस मतलब जो इंडियन का पैसा है, ठीक है। तो ग्रॉस क्या होगा, रिलायंस का पैसा और इंडियन का पैसा, ये दोनों को हम ऐड करेंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर, जैसे 800 प्लस 150, 950 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारा जो NNP होगा ना वो 900 रुपये का NNP हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है, हम लोग पढ़ेंगे GNP और NNP। GNP और NNP का जो अंतर है ना वो क्या कहलाता है, मूल्यह्रास कहलाता है, नहीं डिप्रिसिएशन कहलाता है। कैसे कि NNP का फॉर्म, NNP इज इक्वल टू होता है GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा और ये डिप्रिसिएशन आएगा, यानी डिप्रिसिएशन जो होता है वो GNP और NNP का अंतर कहलाता है, ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर किसी देश का आपको हमको प्रोग्रेस दर्शाना है ना, प्रोग्रेस दर्शाना है, तो सबसे बड़ा अच्छा होता है पर कैपिटा इनकम जो होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी देश के प्रोग्रेस को दर्शाने का। पर कैपिटा इनकम जो होता है किसी देश को दर्शाने का सबसे बेस्ट मेथड होगा, उसके प्रति व्यक्ति आय जो होता है, उसके जीवन स्तर को दर्शाने, किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाने का सबसे अच्छा जो मार्ग होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है, यानी पर कैपिटा इनकम होता है। वही अगर हम कंट्री के प्रोग्रेस को अगर दर्शाना है तो हम लोग GDP में दर्शाते हैं, ठीक है। GDP में हम इसको दर्शाते हैं। तो ये हमारा था आज का टॉपिक था। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे तो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वहाँ से हम पॉवर्टी की शुरुआत करेंगे, मतलब गरीबी, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस चीज़ को जो भी मैंने बताया, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने नेशनल इनकम बता दिया था आपको, जैसे ये देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ना, GDP GNP का फॉर्मूला बताया था मैंने कि GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब हम GDP में X और Y मतलब इंडियन के पैसे को ऐड करके फॉरेन के पैसे को जब माइनस करते तो हमारा GNP आता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। वैसे ही मैं आपको NNP भी दिखाता हूँ। NNP देखिए यहाँ पे NNP क्या होता है, NNP वो होता है जैसे GNP में से जब हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो NNP कहलाता है, परचेजिंग पावर पैरिटी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो ये NNP कहलाता है, ठीक है। सो ये सारे थे। अगर हम GDP को दो चीज़ों पे निकालते हैं, GDP एक हम निकालते हैं मार्केट प्राइस पे, एक निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट पे। GDP जो ना हमेशा मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, द प्राइस वी गेट इज मेड एक्सपेंसिव बाय द गवर्नमेंट बाय एडिंग टैक्स, इट मेड चीपर बाय एडिंग सब्सिडी। अब देखिए मार्केट प्राइस पे क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है ना, GDP जब हम मार्केट प्राइस पे निकालते हैं तो उसमें क्या करती है, वो टैक्स को ऐड कर देती है, यानी GDP फैक्ट जब हम मार्केट प्राइस पे निकालते हैं तो उसमें टैक्स को ऐड कर देती है और सब्सिडी को माइनस कर देती है, ठीक है। मतलब सस्ता बनाने के लिए सब्सिडी को माइनस कर देती है और टैक्स को ऐड कर देती है, ठीक है। लेकिन वही जब फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं ना तो इसमें क्या होता है, GDP शुड बी कैलकुलेटेड ऑन अ रियल बेसिस। रियल मींस एक्चुअल जो होता है उस पर निकाला जाता है, इट शुड बी एट फैक्टर कॉस्ट। एक्चुअली में GDP फैक्टर कॉस्ट पर ही निकालना चाहिए। उसमें क्या होता है, जब हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं तो उसमें हम लोग टैक्स को माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को ऐड कर दिया जाता है। GDP भी दो तरह से निकलता है, एक होता है तो आपका
एक होता नॉमिनल जीडीपी और एक होता रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है ना कि जैसे कंटिन्यू पैसों में जैसे प्राइस बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। लेकिन जो रियल जीडीपी होता है ना, वो एक जैसे एक ईयर को बेस मान के हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 2015 में 5 रुपये प्राइस था, तो उसी को हम बेस मान कर सारे हर एक साल का हम जीडीपी निकालते हैं, तो उसको हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी डिफ्लेक्टर कैसे निकलता है, जीडीपी में कितना कमी आया है बढ़ा, उसको निकालने के लिए हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करके 100 से हम इंटू कर देते हैं, तो दैट विल फाइंड जहाँ से हम लोग को मिलता है वी गेट्स जीडीपी डिफ्लेक्टर के कितना जीडीपी में अंतर आया। ठीक है, सो इतना था। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।